दोस्तों नमस्कार। मेरे एक बहुत ही खास दोस्त ने पंजाब के जालंधर शहर से मेरे से एक क्वेश्चन किया था कि हमारे पास एक फेसबुक का पेज है जिसके अंदर 50,000 फॉलोअर्स हैं, तो क्या मैं उस पेज के जरिए कुछ ऐसा इनकम कर सकता हूं जिसमें मुझे डेली कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत ना हो और एक बारी कुछ कर दिया जाए, उसके बाद से उससे पैसे जनरेट होना शुरू हो जाए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जिक्र करने वाले हैं और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल जानकारी देंगे कि फेसबुक के एक पेज के जरिए किस तरह से इनकम जनरेट किया जा सकता है। दोस्तों मैंने एक और तरीके के बारे में बताया था जो कल के वीडियो में मैंने बताया था, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा लेकिन इस वीडियो के आखिरी में करूंगा। अभी मैं शुरुआत करता हूं कि फेसबुक और अमेजोन के जरिए किस तरीके से आप चाहें तो घर बैठे अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी फेसबुक के शॉपिंग फीचर के जरिए। यहाँ पर आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है सिर्फ एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी और दो जगह अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें एक होगा फेसबुक और दूसरा होगा अमेजोन का। अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन है तो आप इस काम को अभी शुरू कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो मैं जो वीडियो बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर आप इस चीज़ को पूरे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में पूरी की पूरी डिटेल जानकारी हम आपको देने वाले हैं और मैं लेके चलता हूँ आपको सीधे अपने लैपटॉप स्क्रीन के पास। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अब मैं आपको अपने लैपटॉप के जरिए लेके चलता हूँ। सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे और मैंने एक पेज सेलेक्ट किया है जिस पेज का नाम है बॉलीवुड पंच। अब इस बॉलीवुड पंच के जरिए हम किस तरह से पैसे जनरेट करेंगे वो चीज़ इसके अंदर हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास एक फेसबुक अकाउंट है और आपके पास कोई पेज नहीं है तो आप जो है क्रिएट पेज करके एक नया पेज बना सकते हैं। यहाँ से आप जो है क्रिएट कर सकते हैं और एक नया पेज बना सकते हैं। उसके बाद से आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ इस साइड में यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड है यहाँ पर शॉप करके कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको करना ये होगा दोस्तों कि यहाँ से आपको जाना होगा सीधे सेटिंग्स पे क्लिक करनी होगी। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद से यहाँ पर एक सेटिंग का पेज खुलेगा जहाँ पर आपको जा करके कुछ काम करने होंगे। डिले होगा क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट की स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो है, तो हम जो है अब चलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपका जो है पेज ओपन हो गया है। इसके अंदर बहुत सारे टैब्स हैं, राइट। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैनेज टैब्स एंड टेम्पलेट्स, मैनेज टैब्स एंड टेम्पलेट्स। यहाँ से हमको ये ऑप्शंस को इनेबल करने का ऑप्शन होगा जहाँ पे हम शॉप के ऑप्शन को इनेबल कर सकेंगे। ये बेसिक लेवल का सेटिंग है, आपको इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों जैसे कि आप इसके नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है लेकिन इस इसके अंदर डिफ़ॉल्ट में हमारा शॉप का ऑप्शन नहीं है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सीधे हम ऐड टैब्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शॉप के ऑप्शन को ऐड टैब क्लिक करके और इनेबल कर देंगे, राइट। इसको कर देंगे क्लोज और ये शॉप इनेबल हो गया। अब इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा मूव करके ऊपर लेके आऊँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं इसको यहाँ से ऊपर लेकर के आ गया, नंबर वन पोजीशन पर ला गया और ये सेटिंग जो है अब कम्प्लीटली सेव हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि सीधे पेज पर जाएंगे। पेज पर जाने के बाद से ये शॉप जो है हमको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, राइट। पहली सेटिंग आपको ये करनी है। इसके अलावा आपको करना होगा अपने अमेजन एफिलिएट पर लॉग इन, राइट। सो अमेजन अफिलिएट पे जाके आपको लाइव करना होगा, लॉगिन करना होगा। यहाँ पे अमेजन अफिलिएट आप सर्च करेंगे तो यहाँ से अमेजन अफिलिएट की वेबसाइट जो है वो आपके लिए ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ खास करके बता दूँ कि यहाँ पर मैंने एक अकाउंट बना रखी है। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाई है तो अमेजन अफिलिएट के ज़रिए आप अपना एक अकाउंट बना सकते हैं और उसको बनाने के बाद से आपका जो है ये काम शुरू होगा, राइट।
तो ये हमारा हो गया अमेज़न अफिलिएट और हमने अमेज़न अफिलिएट के अंदर लॉगिन कर लिया है। अब इसी तरीके से हम जाएंगे अमेज़न के साइट पर, amazon.in, amazon.in के साइट पर जाएंगे और यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, और यहाँ से हम जो है जो बेटर प्रोडक्ट जो है हम निकाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जिसमें लोगों की व्यूज़ काफ़ी अच्छी आ सकती है या जो लोग जिसमें इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा दिखाते हैं, हम उस पेज को सर्च करने की कोशिश करेंगे। अब मान के चलिए कि ये हमारे पास एक पेज है जिस पेज पर हम जो है चाहते हैं इसका प्रोडक्ट को लिस्ट डाउन करना। तो यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है दोस्तों, जैसे हम अमेज़न अफिलिएट पर लॉगिन करेंगे और फिर जाके हम जो है यहाँ पे लॉगिन करते हैं amazon.in पे, तो ये अमेज़न एसोसिएट का साइट स्क्रिप्ट जो है ये आपकी वेबसाइट पर, आपके सिस्टम पर दिखने लगेगी। अब जैसे दिखने लगेगी दोस्तों, तो आपको इसके लिंक को क्लिक करना होगा, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर टेक्स्ट पर जाइएगा और टेक्स्ट पर आपको करना होगा क्लिक। अब आपको यहाँ पर टेक्स्ट पर करना होगा क्लिक। अब दोस्तों जैसे ही टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये जो लिंक है ये आपके पास एक लिंक बन करके आ गया है। अब यहाँ पर आपको करना ये है कि यहाँ पर आपको नोट पैड ओपन करना है और नोट पैड में इस यूआरएल को रख लेना है, राइट। ये हमारे पास एक यूआरएल हो गया, इसको आपको अस्थिर मतलब अच्छे जगह पर रखना है ताकि ये डिलीट ना हो जाए, राइट। अब इसके बाद से हमें क्या करना है, दूसरा हमारा जो काम है वो ये है कि हम इसमें से इमेजेस को सेलेक्ट करें। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इमेजेस जो है हम यहाँ पे इसको काफ़ी अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं इमेज वन, राइट, इमेज वन कर दिया। इस इमेज के लिए हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया, सेव किया एंड यहाँ पर डाला इमेज टू। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँ कि मैंने इस प्रोडक्ट या इस तरह के प्रोडक्ट को क्यों लिया है, क्योंकि गर्मी का समय, गर्मी का सेशन शुरू हो चुका है और गर्मी के सेशन में इस तरह की जो क्लोथिंग है, इस तरह की क्लोथिंग का इस्तेमाल जनरली लोग करते हैं, तो इसलिए ये बेनिफिशियल है कि आप जो है सीजनल मौसम के हिसाब से आप जो है इस प्रोडक्ट्स को सर्च करते जाएं यहाँ पे। तो हम यहाँ से कुल चार या पांच इमेजेस, जो भी यहाँ पर इमेजेस है उसको हम यहाँ पे सर्च करेंगे, राइट। और यहाँ पर इमेजेस हो गई हमारी और यहाँ पर हमने कर लिया फिफ्थ नंबर का, और लास्ट जो है हमारे पास ऑप्शन जो आ रही है यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया एंड यहाँ पर हमने किया इमेज नंबर सिक्स। ये छह इमेज हमने सेव कर दिए। अब हमारे पास क्या क्या मिल गया दोस्तों, कि हमारे पास एक लिंक मिल गया, जिस लिंक के जरिए अगर आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो उसके जरिए आपको कुछ कमीशन मिलेगा। वो कितना कमीशन मिलेगा वो जो है अप्रैल के अंदर आप जाके देखेंगे, अपेरल के अंदर जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज के अंदर कितना है, लगभग लगभग 8% का कमीशन है, राइट। तो अब आपको यहाँ पे ट्रैफिक लेके आनी है और ट्रैफिक लेकर आएंगे तो आपका काम होगा। लेकिन अब हम चलते हैं कि हमारे पास कलेक्शन क्या क्या हो गया। हमारे पास कलेक्शन हो गया, फ़ोटोज़ हो गए, हमारे पास लिंक हो गए और इसके अलावा हम जो है अब डायरेक्टली इसके साथ हम काम करना शुरू कर सकते हैं, राइट। हमारे पास टाइटल आ गया और हमारे पास लगभग सब कुछ आ गया। टाइटल आ गया, यहाँ से हम जो है इसके नीचे जाके टाइटल पर चले जाएंगे। इसके बारे में कलर और साइजिंग का ऑप्शन है तो कलर रेड आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप जो है स्लिम फिट है ये क्लोथ तो आप जो है यहाँ पर स्लिम फिट जाइए। कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया, अगर आप इसके अलावा भी कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, राइट। तो अब हमारा काम जो है यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, फेसबुक पेज के अंदर, जहाँ से हम और भी पैसे कमा सकते हैं। तो इसके बाद से सीधे हम क्लिक करते हैं शॉप पे क्लिक करते हैं और शॉप पे क्लिक करने के बाद यहां पर बोलता है कि टू ऐड द शॉप एक्शन इन योर पेज प्लीज एग्री द सेल्स टर्म्स एंड कंडीशन। हमने इसको एग्री कर लिया, राइट। अब इसके बाद से चेक आउट फ्रॉम अनदर वेबसाइट, सो हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर लिंक देंगे कि भाई जो भी हम काम करने वाले हैं इसका जो लिंकअप है वो किसी और के पोर्टल से जाकर के और ये जो है सेव होना है, ठीक है। तो हम इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू और इंडियन रुपीज़ हमारा है, दैट इज़ परफेक्ट। हम जो है इसके अलावा इसको सेव कर देंगे और यहाँ से हमारा जो शॉप है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, राइट। अब इस शॉप के अंदर हम करेंगे प्रोडक्ट्स को ऐड और प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए जो जानकारी है वो हमने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है।
अब दोस्तों हमको करना ये है कि हम यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पे जाते हैं। ऐड प्रोडक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपसे मांगेगा और आपको उस इन्फॉर्मेशन को डालना होगा अपने उस प्रोडक्ट के अंदर, राइट। तब जाके आपका एक स्टोर यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। अब आपको उस स्टोर के अंदर ट्रैफिक लानी होगी जहाँ से लोग जो है आएँ और प्रोडक्ट्स को परचेज करें, राइट। तो हम जो है यहाँ पर हम आ गए हैं और इसके अलावा हम यहाँ पर ऐड करते हैं ऐड प्रोडक्ट। सो ऐड प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉपअप ओपन होगा और इस पॉपअप के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेगा। दोस्तों आपके पास वीडियो है, आप जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सो स्लोली स्लोली हमारे पास ये ऑप्शन आ गई कि हम जो है जो डेस्कटॉप पे जा रहे हैं और डेस्कटॉप पे हमने जो फ़ोटोज़ इमेज करके ली थी उस इमेज के फ़ोटो को हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। सो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, ये चारों पाँचों छः जो प्रोडक्ट है इसको हमने सेव कर दिया एंड नाउ द प्रोडक्ट हैज स्टार्टेड अपलोडिंग, राइट। ये हो गया। अब पेज फोटो है, हमें ये नहीं करना है, हमें यूज दिस 6 फोटोज़ करनी है और यहाँ पे हमने 6 फ़ोटो को डाल दिया। इसके बाद हमसे क्या मांग रहा है दोस्तों, इसके बाद हमसे मांग रहा है कि ये जो है ये हमारा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का नेम है, हमने एज इट इज इस नेम को डाल दिया, राइट। सो प्रोडक्ट इज़ ऑन सेल, यस वी कैन, एंड फॉर दिस आप जो है यहाँ पर जाएंगे और जो आपने ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो प्रोडक्ट्स आपने देखी थी उसका जो प्राइसिंग है वो है 299 रुपीज़। सो आप यहाँ पे थोड़ा सा एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पे दे सकते हैं 3। सो दोस्तों आप यहां पे 499 का प्रोडक्ट है और आप इसी प्रोडक्ट को यहां पर दे सकते हैं 299 रुपीस। हमने यहां पर क्या किया है दोस्तों, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट यहां पर सेल हो रहा था 299 रुपीस का, हमने यहां पर दे दिया 499 रुपीस एंड 299 रुपीस प्रोडक्ट ऑज इज़ ऑन सेल करके हमने ये ऑप्शंस क्लिक कर दिया, राइट। अब ज़रूरत होगी दोस्तों आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिए, सो आप यहां पर लिख सकते हैं वाना दिस ब्यूटीफुल क्लॉथ्स फॉर समर सेशन दिस प्रोडक्ट इज हाईली ऑन डिमांड, राइट। सो अब आपने क्या किया यहाँ पर कि इसके बारे में थोड़ा सा अट्रैक्टिव चीज डाल दिया एंड इसके अलावा आपने जो है यहाँ पर जो मैंने बोला था कि स्लिम फिट और ये डिटेल्स जो है आपने लिखा है इसको आपको यहाँ पे डाल देना है, राइट। दैट इज़ ओके। अब आपके पास एक ऑप्शन आती है यूआरएल का, आपको जो है यहाँ पर क्लिक करना है एंड यू हैव टू पुट ओवर हियर। यहाँ पर चेकआउट यूआरएल आपको पता चल गया है, शेयर दिस प्रोडक्ट ऑन योर पेज, यस ये इसलिए इनेबल करना जरूरी है कि आप इस प्रोडक्ट को अपने पेज पर शेयर करना चाहते हैं, दैट इज़ परफेक्ट, आप इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास पब्लिश करने का ऑप्शन है, आप इसको पब्लिश करेंगे और यहाँ पर कंडीशंस देने होंगे कि ये जो प्रोडक्ट है वो किस तरह का है। तो आप इस प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड न्यू कर सकते हैं, ब्रांड न्यू करने के बाद आपकी सारी क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर इसको करेंगे ऐड प्रोडक्ट का, और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप इसको ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ये प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर ऐड हो चुका है, लिस्ट डाउन हो चुका है एंड नाउ अगर आप जो है यहाँ पर जाते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे प्रोडक्ट को सर्च करते हैं दोस्तों तो ये जो प्रोडक्ट है वो आपके लिए अवेलेबल हो चुका है, आ चुका है, राइट। अब हम इस पेज को करेंगे रिफ्रेश, इस पेज को हम कर देंगे रिफ्रेश और जैसे ही दोस्तों इसको आप रिफ्रेश करेंगे आपका प्रोडक्ट जो है वो आ चुका है। अब हम एक थोड़ा सा इसके लुक को देखते हैं, इसके लुक को देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये प्रोडक्ट जो आपने ऐड किया है वो किस तरह से लुक होता है, किस तरह से दिखता है, राइट। तो हमने यहाँ पर सीधे सीधे क्लिक किया और हम पहुँच गए हैं सीधे सीधे होम पे। अभी हम होम पे रहेंगे क्योंकि हम होम पे देखने की कोशिश करेंगे कि जो प्रोडक्ट है जो आपने ऐड किया है वो किस तरह से लुक आउट हो रहा है, किस तरह से दिख रहा है, राइट। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है,
अब ये पेज जो है आपका ओपन हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ इसके जो कंटेंट है वो डिस्प्ले आ जाए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि ये जो पेज का कंटेंट है वो किस तरह से दिखने वाला है, जो पेज आपने ऐड किया है वो किस तरह से दिखने वाला है। तो उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं, राइट। तो ये जो है देखिए, यहाँ पे शॉप नाउ के अंदर प्रोसेसिंग में ये जो पेज है, ये जो प्रोडक्ट है, ये आ चुका है। अगर आप इस प्रोडक्ट पे शॉप पे क्लिक करते हैं दोस्तों, तो ये जो है आपको लेकर के जाएगा अपने डिटेल पेज पे। मैं इसको ओपन इन न्यू टैब कर लेता हूँ, और प्रोडक्ट का ये पेज है, ये जो हमने अभी ऐड किया था ई कॉमर्स के अंदर। सो नाउ दिस इज़ द पेज एंड योर प्रोडक्ट इज पर जूलरी फ्यू मिनट्स। सो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको वेट करेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि अभी जो है आपके प्रोडक्ट जो है वो पब्लिश हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ये ऑप्शन दे दिया है दोस्तों कि ये जो प्रोडक्ट है आप इसको देख सकते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये बिल्कुल कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है, बॉलीवुड पंच का सेल कर रहा है, और ये सारी चीज़ें आपको आ गई है। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये जो प्रोडक्ट है सीधे सीधे आपके अमेजोन के लिंक पर लेकर के जाएगा, अमेजन पर इस प्रोडक्ट को ओपन करेगा, और यहाँ से अगर कोई प्रोडक्ट आपका परचेज करता है तो इसके बदले में आपको यहाँ से पैसे मिलेंगे। अब इसी तरीके से आप जिस तरह के भी प्रोडक्ट्स को सेल करना चाहते हैं, जिस तरह के प्रोडक्ट के साथ अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उस तरह के प्रोडक्ट के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका अब यहां पर सिर्फ काम ये बच गया है कि आप किस तरीके से अपने साइट के अंदर, अपने वेबसाइट पर, अपने इस पोर्टल पे ट्रैफिक को जनरेट करके लेके आते हैं। अगर आपने इस पर ट्रैफिक जनरेट कर दिया दोस्तों, तो मैं बता दूं यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2,000-3,000 रुपए तक डेली का इनकम जनरेट कर रहे हैं बिना किसी प्रोडक्ट के सेल किए हुए, क्योंकि यहाँ से जो ट्रैफिक जाएगी वो अमेजोन पे जाएगी, अमेजन उसके बदले में आपको कमीशन देगा, और प्रोडक्ट की शिपिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे सीधे होगी अमेजोन की या उसके वेंडर की जो प्रोडक्ट रख के बेच रहा है, राइट। तो ये तरीका है जिस तरीके से आप जो है अपने पेज के जरिए अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं, राइट। अब इसके अलावा मैं जो बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा इस पेज से और क्या क्या इनकम हो सकती है, तो दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक यहाँ पर दिख रहा है। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को एक बार देखने का कृपा जरूर करिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर हमने बताया है कि किस तरीके से एक ट्रेनिंग के मदद से एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने एक हफ्ते के अंदर $500 से ज़्यादा का इनकम किया है। अगर मैं बता दूं दोस्तों कि अगर 28 दिन के अंदर आप जो है $1,000 भी इनकम करते हैं तो 74,000 रुपये की सैलरी बनती है। कहने का मतलब ये है कि वहाँ से आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का ओशन है जहाँ से आप पैसा जनरेट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने अभी तक ये तरीके अगर आपने नहीं देखे होंगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तमाम लोगों के पास, ताकि जो भी पेज रखते हैं वो उस पेज के जरिए अच्छी खासी इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। तो दोस्तों अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।